दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 17 सितंबर 2023 को सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अपनी स्वराशि अपनी सिंह राशि को छोड़ करके ये गोचर करेंगे बुध की राशि, जो कि तात्कालिक मित्रता भी रहेगी कई दिनों तक। तो बुध की राशि में इनका गोचर एक महीने तक रहेगा, जो कि हमेशा रहता है एक महीने। तो कन्या राशि में इनका गोचर 17 सितंबर 2023 से लेकर के 17 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यह गोचर फल विशेष है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो तात्कालिक मित्रता भी कुछ दिन रहने वाली है बुध के साथ में, उसके साथ साथ युति की और बहुत सारी युति के योग की स्थिति बन रही है, जिसमें विशेष कई लोगों को लाभ मिल सकता है। और अग्नि तत्वीय ग्रह है सूर्य और पृथ्वी तत्वीय राशि है बुध की राशि। यहाँ पर बुध के साथ में यानी कि सूर्य का समीकरण काफ़ी अच्छा बैठ जाता है। कई स्थितियों में विशेष ये लाभ देने वाले हैं आपको, तो कहीं कहीं सावधानी की भी ज़रूरत है। तो आपको बताते हैं कि कहाँ पर सावधान होना है और कहाँ पर आपको ये सूर्य राशि परिवर्तन मालामाल करेगा। सबसे पहले आपको ये विशेष जानकारी देंगे, पूरे 12 राशियों का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को, इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे जो आत्मा के कारक सूर्य हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस के कारक सूर्य हैं, सूर्य आपकी सरकारी नौकरी हैं, सूर्य आपका वर्चस्व हैं, सूर्य आपका प्रताप हैं, सूर्य आपका यश वैभव सब कुछ हैं। अगर सूर्य कुंडली में, कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो फिर चाहे कोई भी ग्रह कुछ भी बना रहे, चाहे शनि परेशान करे, चाहे राहु परेशान करे, आप परेशान होने वाले नहीं हैं। इसलिए सूर्य के कोई भी परिवर्तन, सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहता है, इसलिए साल में 12 परिवर्तन होते हैं, यानी कि कैसे भी देख लिया जाए उसमें भी 12 ही परिवर्तन होंगे, चाहे हिंदू पंचांग के अनुसार देखें चाहे उसमें। लेकिन ये 12 परिवर्तन जो होंगे एक साल के अंतर्गत, ये हर परिवर्तन कुछ विशेष लेके आता है। अगर आपको सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब इसे विशेष ज़्यादा देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है ये परिवर्तन। चाहे आप किसी के भी वीडियो देखिए लेकिन इस परिवर्तन को मत मिस कीजिए, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तब आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य बिजनेस व्यापार से संबंध रखता है, सूर्य आपके वर्चस्व से संबंध रखता है। अगर राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति में तो सूर्य की अहम भूमिका रहती है। अधिकारी हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, तो विशेष रूप से सूर्य की स्थिति अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे कि आखिर ये सूर्यदेव आपको क्या देने वाले हैं, ये सूर्य ट्रांजिट यानी कि सन ट्रांजिट आपके लिए क्या करने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर, आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करके सूर्यदेव षष्ठम भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। विशेष रूप से स्थितियां यहां पर यह बनेंगी कि आपकी एक तो कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, तो उसमें विशेष मेहनत की आवश्यकता है। किस्मत का साथ, एक लक का जो सपोर्ट आपका एक रहता है, वो नहीं रह पाएगा। इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा आपकी काम आने वाली है अगर मेहनत कर रहे हैं तो। अगर किस्मत के भरोसे हैं कि चलो कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ किस्मत कर देगी, तो यहाँ पर किस्मत आपका साथ नहीं देने वाली है। विशेष रूप से स्थितियाँ यहाँ पर, क्योंकि पंचमेश सूर्य का षष्ठम में जाना, स्थिति यह बनाएगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ला देना, शिक्षा में रुकावटों का आना, यहाँ पर विशेष आपके लिए नुकसान की स्थितियाँ, धन के नुकसान की स्थितियाँ। अगर कहीं पैसे का लेन देन कर रहे हैं किसी व्यक्ति से व्यापार के सिलसिले में या फिर आप दोस्ती यारी में भी, तो पैसा आपको दुश्मनी कहीं ना कहीं दुश्मन बना देगा आपका। अगर पैसा दिया है लिया है तब भी यहाँ पैसे के लेन देन से बचें इस गोचर काल में। इस गोचर काल में आपको शत्रु बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, लोग चिढ़ेंगे बहुत, लोग जलेंगे बहुत। सबसे विशेष
कोर्ट कचहरी, पुलिस कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से आपको बचना होगा, विवादों से बचना होगा। अगर राजनीति में हैं तो आप बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। राजनीतिक स्थितियां आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली हैं। इस सूर्य के गोचर से आप ये है, खास करके 17 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसमें आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, आप हार्डवर्क बहुत करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं लाभ भी पहुंचाएगा, लेकिन तमाम स्थितियां आपके लिए ख़राब हैं। खास करके अगर आपके प्रति कोई ऑफिस में षड्यंत्र हो रहा है, उस चक्कर में जॉब मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जॉब छोड़ देंगे तो आपके लिए विपत्ति है, क्योंकि जॉब भी आसानी से नहीं मिलेगी। तमाम तरह की परेशानियां हैं और सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर आप बीपी या फिर आँखों से संबंधित समस्या, आपको आँखों में पानी आना, नेत्र संबंधित समस्या है, तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो आपको परेशानियाँ ज़्यादा हैं, बचने के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें और अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपको यहाँ पर आपके पंचम भाव में सूर्यदेव उपस्थित रहेंगे, धन लाभ भी बहुत होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके बच्चे कुछ ऐसा कर दें जिससे आपका समाज में नाम हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिले, या फिर यहाँ पर स्थितियाँ आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में तनाव की स्थितियाँ भी बनाएंगी। कहीं ना कहीं लव लाइफ में प्यार भी बढ़ेगा लेकिन तनाव की स्थिति, बहस की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। अत्यधिक उम्मीद लगाना अपने पार्टनर से आप दोनों के झगड़े करवा सकता है। सूर्यदेव की इस स्थिति में ये भी देखा गया है कि ऐसे में एक्स पार्टनर अगर नाराज है तो वो आपके पास वापस आ जाता है, या वो बहुत अकड़ में हो तो आपकी अकड़ इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाता है, तो पैचअप की स्थिति बनती है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में समाप्त होगी और शिक्षा में बेहतरीन स्थितियाँ प्राप्त होंगी। अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अगर सितंबर में ही कोई आपका लास्ट इंटरव्यू, एग्ज़ाम कुछ भी होता है तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं। प्राइवेट जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, जॉब खोज रहे हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी, बहुत ज़्यादा सूर्यदेव इसमें आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर बहुत अत्यधिक भरोसा ना करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, सूर्य का यह परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में, ये गोचर रहेगा कन्या में, तो ये आपको धन लाभ देगा, राजनीतिक लाभ देगा। राजनीति में खास करके सितंबर में ही 17 से 30 सितंबर बहुत लाभ मिलेगा, उसके बाद में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी ही रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं बुध की स्थिति भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगी। अत्यधिक स्थितियाँ आपके लिए करियर में उन्नति की बन रही हैं। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपकी प्रशंसा होने वाली है, आपको कोई बड़ा अवार्ड, आपको कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है, आपके प्रशंसक बढ़ सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले हैं। सरकारी जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं और कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू कुछ भी होता है उसमें सक्सेस मिलना तय है। निश्चित रूप से आपके लिए हर प्रकार से ये गोचर बहुत ज़्यादा उत्तम है, लेकिन आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मैरिड लाइफ में ये गोचर आपके हो सकता है कलेश का वातावरण भी बनाए। बस डिपेंड करता है, पार्टनर अगर ज़्यादा सहनशील है तो दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ईगो या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो कलेश की स्थिति भी बन सकती है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के लिए गोचर तृतीय भाव में, धन लाभ होगा, मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत का रिजल्ट भी बहुत खास आएगा। आपका कोई अगर विवाद चल रहा था कोर्ट कचहरी से तो वो विवाद सुलझ जाएगा, दोस्तों के साथ में संबंध खराब हो गए थे तो वो संबंध सही हो जाएंगे, विशेष रूप से फाइनेंशियली ग्रोथ देखी जाएगी। अत्यधिक विदेश यात्रा की मन में उत्कंठा होगी, बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा करने की इच्छा होगी और विदेश यात्रा अगर करना चाहेंगे तो हो भी जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी और काफ़ी आपके किस्मत का, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। विशेष रूप से आपको यहाँ पर अगर कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, ज्योतिष, धार्मिक कृत्य करते हैं, कोई धार्मिक कर्म, आपका प्रोफेशन धर्म से रिलेटेड है तो आपको बड़ा ही लाभ मिलने वाला है।
इसमें विशेष रूप से स्थितियां उन लोगों के लिए अच्छी बनने वाली हैं जो कोई ट्रस्ट संस्था चलाते हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छी स्थितियां होने वाली हैं। आपके मेहनत का सपोर्ट, आपकी मेहनत का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके हर कार्य को पूरा करने में, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई खास व्यक्ति आ सकता है, धन की वृद्धि होगी और अचानक से बड़ा धन लाभ होगा, कई नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा और खास करके एंटरटेनमेंट के फील्ड में है तो आपके कई दबंग रोल आपको मिलने वाले हैं, ऐसे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएं, आपकी सक्सेस में बड़ी अहम भूमिका निभाएं। स्थितियां आपके पैतृक संपत्ति में भी आपको लाभ मिल सकता है और पैतृक संपत्ति अगर विवादों में है तो उसमें भी काफ़ी आपको राहत मिल सकती है, काफ़ी अच्छे आपके लिए निर्णय हो सकते हैं, कई चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। आपके लिए देखा जाए तो शेयर मार्केट में भी विशेष धन लाभ आपको 1 से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य बुध कराने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके लिए इस सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है और उससे भी ज़्यादा उन लोगों के लिए लाभकारी है जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, जैसे IT सेक्टर की जॉब हो गई या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ज़्यादातर यूट्यूबर जो कि विदेश से अर्निंग आती है उनकी, उन लोगों के लिए। और ब्रांड बहुत ज़्यादा आपके बाहर के ब्रांड आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनने वाले हैं, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेस्ट बनेंगी। यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा स्थितियाँ कॉन्ट्रैक्ट, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या वो किसी भी प्रकार से कोई टेंडर पास कराना या उस तरीके का काम करवाना चाहते हैं, आप सरकारी फ़ायदा लेना चाहते हैं, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ये सूर्य का गोचर आपके लिए अद्भुत है। बल्कि मैं ये कहूँगा सिंह राशि में जब ये गोचर कर रहा था तब भी आपको इतना फ़ायदा नहीं दिया जो अब देने वाला है। विशेष रूप से अगर आपका एक्स्ट्रा फेयर है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपका ईगो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो जाएगी और अत्यधिक मेहनत करने वाले हैं। हालांकि मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल ये कर देगा लेकिन आपकी लव लाइफ में स्थिति बहुत अच्छी करेगा, विश्वास बढ़ा देगा। अत्यधिक आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके मान सम्मान की वृद्धि हो रही है और आप जहाँ से धन प्राप्त करने की सोचेंगे भी नहीं वहाँ से भी धन आपको मिलेगा। जहाँ आपने आशा उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें तो अब कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, वहाँ से भी आपको धन मिलने वाला है। खास करके अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आपको बड़ा ही धन लाभ या प्रमोशन हो सकता है, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं। या सरकारी जो मेडिकल एक तरह से अधिकारी होते हैं उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से स्थितियाँ खास रहने वाली हैं। आपको विशेष रूप से शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको भी पसंद आए और आपकी बात बन जाए। यहाँ पर एक बेस्ट आपको अवसर आपके करियर में मिल सकता है, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन लव लाइफ में एक्स पार्टनर के लिए पागल हैं, एक्स पार्टनर के बारे में बहुत सोचते हैं तो सावधान रहिएगा, बर्बाद हो जाएंगे। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा उन लोगों को जो नो कॉन्टैक्ट में है उन्हें दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सूर्य का यह परिवर्तन आपको अत्यधिक धन लाभ देगा, विदेश यात्राएं कराएगा, विदेश से बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। अगर आपकी कंपनी विदेश से संबंधित कार्य करती है तो आपका उसमें लाभ है। अगर आप खुद विदेश से संबंधित अर्निंग करते हैं तो आपको उसमें लाभ है, विदेशी धन आपको प्राप्त होगा, विशेष रूप से विदेश यात्राएं आपकी होने वाली हैं। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर डॉक्टर इत्यादि हैं तो वहां पर आपको बड़ा ही धन लाभ होने वाला है। पर आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम होगी और विशेष रूप से आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, धन लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में उन्नति के ओर आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ में थोड़े बहुत मतभेद होंगे लेकिन आपके लिए पूरे ये गोचर में सूर्यदेव लाभ ही लाभ कराएंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, ईगो कम दिखाना होगा, पार्टनर के साथ में मुलाकात हो सकती है, यात्रा हो सकती है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों,
आपके करियर में उन्नति होगी, राजनीतिक लाभ आपको बहुत मिलेगा, राजनीति में बहुत ज़्यादा आपके प्रशंसक बढ़ेंगे और राजनीति में आपका प्रमोशन हो सकता है। राजनीति में आपके लिए विशेष रूप से कई नए मौके आपको मिलने वाले हैं। आपका सहयोग हर व्यक्ति करने वाला है, जो आपके संपर्क जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। धनु राशि वालों, आपके लिए अत्यधिक करियर में उन्नति की स्थिति दिख रही है, सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर इत्यादि का एग्जाम देते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आपके लिए गोचर प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ नहीं कराया तो फिर क्या कराया? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर रहेगा, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है तो प्रॉपर्टी सेल करना अगर आप चाहें तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आपकी बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बन रही है, या कोई प्रॉपर्टी के दाम आपके बढ़ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होने वाला है। खास करके अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर आप ठेकेदार हैं, मकान बनाकर बेचते हैं या मकान बनाते हैं, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन रही हैं। आपको अगर आप उच्च अधिकारी हैं तो वहाँ पर प्रमोशन की स्थितियाँ भी दिखाई देंगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन आपको अपने बहुत ज़्यादा अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। एटीट्यूड ईगो से बचें, अहंकार से बचें। आपके पेरेंट्स के साथ में आपके संबंध अच्छे होना इस बात का सूचक है कि आपको लाभ देगा ये सूर्य का परिवर्तन, पर अगर संबंध अच्छे नहीं है तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए सूर्य का गोचर नवम भाव में रहेगा, भाग्य की स्थिति फिर भी काफ़ी बेहतर बनाए रखेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, लक बहुत ज़्यादा काम आएगा। लेकिन पेरेंट्स के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, भाई बहनों के साथ में भी अच्छी नहीं बनेगी। विशेष रूप से आपके लिए ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों में ही बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। अत्यधिक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इस सूर्य से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट से संबंधित काम करते हैं या इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन कोई आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, अगर आपका कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं या सोशल मीडिया पर आपका बिजनेस चलता है, तो आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी, बड़ी इच्छा मतलब बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई सपना पूरा हो सकता है। आज देखा जाए स्थितियां आपके लिए ये सूर्य निरंतर अच्छी करता जा रहा है और ये गोचर आपके लिए अत्यधिक धन लाभ की स्थितियां बनाएगा। खास करके कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला दे और कोई प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिले, अच्छे लोगों के साथ संबंध बने, बड़े लोगों के साथ संपर्क बने और विशेष स्थितियां आपका एक्स्ट्रा फेयर आपको बहुत ज़्यादा फलीभूत हो। कोई एक्स्ट्रा फेयर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके लिए बहुत लकी हो जाए और यहां पर स्थितियां आपके एक्स्ट्रा फेयर में पार्टनर के साथ में अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर से पैचअप की स्थिति भी दिखा रहा है। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर कहीं कोई गलत कदम उठा सकते हैं, आपको लेकर के गलत ख्याल उनके मन में आ सकते हैं, इसलिए उनसे संबंध अच्छे बनाए रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लव लाइफ में पार्टनर के साथ में लंबी यात्रा हो सकती है, पार्टनर के साथ विदेश जा सकते हैं या पार्टनर के साथ फिजिकल हो सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ बनेंगी। विशेष रूप से थर्ड पार्टी प्रॉब्लम समाप्त होगी, एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। जो व्यक्ति शादी के लिए अभी तक मना कर रहा था, अचानक से शादी के लिए पगला जाएगा, शादी के लिए कहेगा आपका पार्टनर। आपको रिश्ते भी आ सकते हैं, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। आपके लिए स्थितियां ये भी बन रही हैं कि इस गोचर काल में अत्यधिक आपको धन लाभ होने वाला है, हर प्रकार से आपको ये गोचर मालामाल करने वाला है। पर ईगो से बचें, और आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति भी आएगी तो उससे भी आपको सावधान रहना है। मतभेद अगर हों तो झगड़े नहीं करना है, ये स्थिति है। दोस्तों, यह था सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव। आपको ये प्रभाव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और उसके साथ साथ आपको एक जानकारी दे दें, 15 अक्टूबर 2023 से
शारदीय नवरात्र प्रारंभ हैं, तो शारदीय नवरात्र के अनुष्ठान की बुकिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, तो अपना नाम, गोत्र और अपनी समस्या भेज दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जो कि हर साल हमारे यहाँ पर ये आयोजन होता है नवरात्रि पाठ की, बुकिंग आप जल्द से जल्द करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।